झरना पाए सावन कहीं खिलाए फूल और कलियां कहीं सहरा को दर्शाए सावन 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 मारे गए दिल मैं तो इंतजार कर रही हूँ ये सिर्फ नासिर भाई और यासिर का लाडला नहीं है, पूरे खानदान का लाडला है। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। चल मिजन, रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मिस डेजर्ट पे सैर कर रहे हैं, वो कहीं खो जाती हैं और मैं पागलों की तरह उन्हें तलाश करता हूँ। अच्छा, तुम सारा दिन रहते ही वहां हो इसीलिए तुम्हें ख्वाब में भी वो नजर आती है। चलो नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी जान, नाश्ता वहीं करूंगा यासिर भाई और मिस के साथ। वैसे भी अंकल नासिर ने कहा था हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अदील बेटा पहले होमवर्क कर लो फिर चले जाना। अब्बा जान होमवर्क मैं रात को सोने से पहले कर लूंगा, प्लीज जाने देना। अच्छा जाओ। यस। मैं डरता हूं कुलसुम कि बहुत लाड़ प्यार की वजह से कहीं अदील बिगड़ ना जाए। शहरयार को मैंने इतने साल पाला वो तो नहीं बिगड़ा, ये भी नहीं बिगड़ेगा। कहती तो तुम ठीक हो लेकिन शहरयार की बात और है। भरपूर लाड़ प्यार मिलने के बावजूद भी वो अपने बाप न्याज अहमद की तबीयत नहीं भूला, सिर्फ तालीमी को जिंदगी का मकसद समझा। तुम खुश नसीब हो कि वो तुम्हें माँ कह रहा। अभी तक आया नहीं, इतनी देर हो गई। बाप मैं आ गया। ये अदील कहाँ जा रहा था? यासिर के घर जा रहा था, कह रहा था वहाँ सब उसका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। कमाल है, मैं आप सबके साथ नाश्ता करने यहाँ आया हूँ और वो यासिर की तरफ निकल गई। बेटा वो है ही ऐसा। ओ चलें बातें बंद करें, आए नाश्ता करें। चलें
तेरा बोझ बहुत ज्यादा है। अरे गिरा दूंगा मैं तुझे, मैं गाड़ी गिरा दूंगा तेरे, गिरा दूंगा तुझे। ओए थकावर नहीं मुझे, क्या करेगा? नहीं मैं पानी तेरी, तू शरारत नहीं कर, देख ले नहीं कर, चल सावन ऐसी देते है ना। हाँ ऐसी देते बेटा। हाँ मेरा बच्चा बड़ा होके बनेगा माली, और जेब होगी इसकी खाली, और बच्चे बजाएंगे ताली। अंकल वैसे आप मुझे पकड़ सकते हैं? क्यों? अगर मैं भागूं तो? इससे कोई भाग सकता? देख ले, मैं जो मर्जी करूं। अरे अच्छा बचाएंगे बाद में। हाँ जो मर्जी करो, मुझे जो मर्जी करूं। तू और मेरी जल्दी है अदील, अगर मैं चाय पे डिग जाती तो यार सारे कपड़े बर्बाद हो जाते। गिरी तो नहीं ना? हाँ जी क्यों नहीं, बिल्कुल कौन मिस विलियम्स? मैं क्या करूँ? यस्सी भाई की टाइम मिस का है। यस्सी भाई ये एक बात बता, तुझे घर से कौन से ट्यूशन पढ़े? तू अभी तक उसको मिस क्यों बोलता है? मुझे मिस कहना अच्छा लगता है। अच्छा और क्या? तो मैं क्या करूं? बताइए क्या मैं ऊपर बेडरूम में एक और ना करी, एक और ना करी? नहीं नहीं ला 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 ट्राई दिया था। इतनी देर क्यों लगा दी किधर से तुम? मिस आप भी जा रही हैं? नहीं आज शाम को पार्टी है ना घर पे, मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा सूट पहने, कौन सा अच्छा लगे? मैं बताऊं? मिस ग्रीन ड्रेस आप पर हमेशा बहुत सूट करता है, आप ही पहने। मैं भी यही सोच रही। फिलहाल तो नाश्ते के बाद रियाज अंकल क्या अच्छा। चाय पियोगे? काका जान मेरे ख्याल में पूरा एक महीना हो गया आप मुझे सैर पे नहीं लेके जाते। हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब होगी आपकी तबीयत ठीक और कब जाऊंगी मैं आपके साथ सैर पे? हाँ बेटा जब अल्लाह को मंजूर होगा। नरगिस, नरगिस चलो चलो अपने कमरे में होमवर्क करो, चलो उठो। मम्मी होमवर्क रात को करूंगी। मैंने कहा है ना चलो अपने कमरे में होमवर्क करो, चलो उठो। बहू बैठी रहने दे, से कर लेगी ये होमवर्क भी। चाचा जान आपके लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ती जा रही है, रोज बरोज पढ़ाई में वीक होती जा रही है, तवज्जो से पढ़ती नहीं है। क्यों बेटा? नरगिस ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
दादा जान अब मेरी कॉपीज चेक कर ले, हर पेज पे एक्सलेंट वेरी गुड लिखा हुआ है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती है आपकी पति। चलो कुछ भी हो, चलो उठो नरगिस। अम्मी की बात मानते हैं। अच्छा दादा दादा चलो जाओ, चाहती हूँ। और एक आप है, आपको फुर्सत ही नहीं है फोन से। फिर क्या ऐसा इस घर में हो गया जो तुम गुस्से में लाल पीली होती जा रही हो? तुम हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी बाप की बीमारी और ऑफिस का कामकाज देखो, हम माँ बेटी मरे हैं जी, तुम्हें क्या? फिर क्या हो गया ऐसा इस घर में जो तुम माँ बेटी को मौत आने लगी है? हम क्यों मरे? मरे हमारे दुश्मन जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। अजीब औरत हो तुम भी, अभी खुद ही तो कह रही थी कि हम माँ बेटी जिए या मरे तुम्हें इससे क्या, कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करो तुम। खैर वो बात करो जो तुम कहना चाहती। मेरी बात मानी जाए तब ना। इस घर में पहले तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी गई? मैं अपनी बेटी तुम्हारे बाप से दूर रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारी के जरा से मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना दे। ऐसा क्यों करती हैं? जाओ तुम अपना काम कर। अच्छा वो दादा जान दवा मांग रहे थे। अपना वही दे। बेटा मैं तेरा घर जा रहा हूँ, शहरयार बेटे आने आ चुका होगा। ठीक है, ख्याल रखना बेटा। ये क्या है भाई? ये कपड़े हैं बाजा। वो तो मैं भी देख रहा हूं कि ये कपड़े हैं, मगर ये इस तरह जमीन पर क्यों ढेर लगाए जा रहे हैं? अबा जान ये कपड़े धोने के लिए निकाले गए। शहरयार बेटा ये ठीक है कि तुम मेडिकल के आखिरी साल में हो, लेकिन जरा सोचो, सारी रात तुम पढ़ते हो, सारा दिन कॉलेज में पढ़ते हो, घर वापस आकर घर का कामकाज संभालते हो, फिर उसके बाद दुकान पर आकर मेरा हाथ बटाते हो। एक दिन, सिर्फ एक दिन होता है छुट्टी का, इतवार, उस दिन भी तुम घर में यह धोबी घाट खोलकर बैठ जाते हो। मेरे बेटे मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम आराम किस वक्त करते हो? अब्बा जान। जी बेटा जान। आपकी एक मुस्कुराहट देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। बेटा मेरा नाम नियाज अहमद है, मोनालिजा नहीं। और वैसे भी बेटा मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि ये मैले कपड़े जो है ये धोबी को दे दिया करो। अब्बा जान दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता में अपना काम खुद कर दी। हाँ याद आया, वो रात को अम्मी मेरे खाम में कहने लगी कि बेटा अपने अब्बा जान से कहो कि इस घर की भलाई के लिए शादी कर दो। अरे हाँ सच, मुझे भी याद आया भाई, कल रात तुम्हारी अम्मी मेरे ख्वाब में भी आई थी। अच्छा? हाँ भाई, तुम्हारे ख्वाब में आने के बाद वो मेरे ख्वाब में आ गए और कहने लगी, सरताज आपने मेरी मोहब्बत में दूसरी शादी तो करनी नहीं, शहरयार बेटी की शादी कर दीजिए, बहू घर आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। लेकिन मुझे तो कह रही थी कि आपकी शादी होनी चाहिए। यानी तुम्हें कह दिया कि मेरी शादी होनी चाहिए और मुझे कह दिया कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए, ये तो सीधा सीधा झगड़ा करवाने वाली बात होगी ना।
यार ये औरतें ऊपर जाकर भी चैन नहीं लेती। कुछ नहीं यार, तुम्हारी अपनी याद आ गई थी। ठीक है ठीक, मतलब बात अब नहीं होगा। अच्छा तो ये बता, कुलसुम भाभी और कासिम भाई तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन आप इस वक्त, अच्छी बात नहीं है, गलत बात। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का। अच्छा बेटा मैं अब स्टोर पे चलूं, वो नौकरों के बस का काम नहीं है, ये जाके संभालना पड़ता है, ऐसे मोहल्ले से किसी की शिकायत ना आ जाए ना। अरे हाँ सर, याद आया बेटा, तो पिछले महीने रियाज भाई के यहाँ भी महाना पार्टी पर नहीं गए, आज नासिर अली के यहाँ जरूर चले जाना बेटा, सब लोग तुम्हें मिस करते हैं। बजान, इस बार आपकी महाना पार्टी में जरूर आऊंगा। शाबाश बेटा, हमारे खानदान के चार पांच घराने तो हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं फूल की पत्तियों की तरह, अल्लाह इन्हें नजरे बद से बचाए। बस मुझे तो रियाज भाई की फिक्र लगी रहती है, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। बेटा तुम तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों से भी मिलते रहते हो, किसी अच्छे से डॉक्टर को ही दिखा दो। जी बेहतर, बजान वैसे भी मैंने उनकी तरफ जाना ही है। हाँ बस जरूर जाना, बजान उनकी दिलजोई भी करते रहना, तुमसे तो बड़ा प्यार करते हैं। लो मैं चला स्टोर पे। ठीक है। लगा देते हैं तैयारी में। नहीं वैसे हमारे बाबा की पर्सनालिटी बड़ी कमाल की है। आखिर बाप किसके हैं? मेरे सारे दोस्त यार पता क्या जाते हैं? कहते हैं कि तुम्हारे जो बाबा हैं तुम्हारे भाई लगते हैं। वैसे खासा वक्त नहीं लगा दिया उन्होंने। भाई कितनी जल्दी है तुम्हें अपने ससुराल जाने की? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, वो दरअसल मैं रियाज अंकल की मिजाज कुर्सी के लिए जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे पता किसके लिए जा रहे हो तुम। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पता क्या अगर पापा ने सुन लिया ना तो मेरे जाने पे पाबंदी लग जाएगी। अच्छा रिश्वत लगेगी? कितने? 500 का नोट निकालो। 500 मंजूर है। हाँ बाबा, वाओ बाबा, लुकिंग ग्रेट, वाइट शलवार कमीज, क्या बात है, चले। तुम कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। चलो मैं मॉर्निंग बेटा रियाज भाई के घर हो। चले डैडी, बाय बाय भाई। वैसे बाबा वो किसी की मिजाज पुरसी करना सवाब का काम है। सवाब का काम तो है, मगर जरूरी तो नहीं कि ये सवाब घर के सारे अफराद कमाए। डैडी ठीक तो कह रहे हैं भाई। चलो फिर ठीक है, तुम अकेले ही हो। नहीं बाबा मैं कल गया था, वो आपका पूछ रहे। क्या तुम वहां जाते रहते हो? हाँ ना डैडी, ये तो रोज वहीं पे पहुंचा होता है, रियाज भाई फोन करके बुला लेते हैं ना इसलिए। अच्छा चलो तो फिर चलना चाहिए। हाँ तो आइए ना, चलते हैं। चले बाबा। लो बेटा नूरिन, तुम्हारे कहने पर मैं जा रहा हूं। वैसे इस काम के लिए 500 रुपए बहुत थोड़े हैं। चलो वापस। क्या वापस? जी नहीं।
जी वाला आए बाबा। ये जो यासर अंकल है बार बार इधर देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, आपने फील नहीं किया? ये मर्दों की आदत होती है, शादी से पहले ताप जान, देखना मोहब्बत और शादी के बाद भाई में। फैमिली में डॉक्टर होने का ये फायदा जरूर होता है कि आप जहाँ कहीं भी जाए चेकअप के लिए डॉक्टर आपका बहुत ख्याल रखते हैं। अंकल ये तो वजह ही तो मरीज को आधा ठीक तो वही कर देती है। क्या है? पहले उसने इतनी देर कर दी चाय लाने में। 500 रुपए का कप है भाई, सब भी तो आगे चुप करके बैठो। मेरा ख्याल मैं भी आई पीटा वो भाई सिर्फ चाय सही आज रात पार्टी के क्या इंतजाम है? ये तो वक्त है पूछने का, आओगे तो देख लेना। अच्छी टाइमिंग है आपकी। अंकल जी बेटा, मैं आपका मुकम्मल चेकअप करवाऊंगा, आज रात पार्टी पे आप जो मर्जी करें। मेरी तबीयत अगर ठीक हुई तो मैं जरूर आऊंगा। क्या मतलब आएंगी क्यों नहीं आप? और फिर ये महाना पार्टी की रस्म आप ही की डाली हुई है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आएंगे जरूर। बिल्कुल ठीक कहते हो, ये हमारी मोहब्बत और मजबूत रिश्तों की निशानी है। अंकल जब भी हमारे यहाँ महाना पार्टी की बारी आती है आप कभी मारिया को नहीं आने देते। तुम्हारा घर इसका ससुराल है, आ जाइए कहीं जल्दी भी क्या है, एक महीना ही तो पड़ा है सारा शादी में। एक महीना तो मुझे गुजर रहा है। फिर भी अंकल आज इसको आने देना प्लीज। हाँ बेटी, मारिया बेटी आप लोगों की अमानत है इस घर में, आज नहीं तो कल इसने उसी घर में जाना है। बहरहाल आप लोग मुझे सुना हूँ, मारिया आज पार्टी पर जरूर आएगी। थैंक यू। क्या कोई चीज चुभ रही है तुझे? बैठ जा। सॉरी बाबा। है ही बदतमीजी। तो ख्याल ही तो शर्म नहीं आती, बड़े बैठे जल्दी पकाए। मैं से क्या? अभी आ रही है। I'm just coming। अबे हट जा यार।
हाय एक्सक्यूज मी नवीन बाय बाय नौना जी नहीं इसको यहाँ बुलाने के काम और बात करने के कम से कम 1000 रुपए लूंगी मैं अभी नहीं है ले लेना अभी तुम नहीं है ना बाद में ले लेना प्लीज जा रही हूँ बाय हाय पता है तुमसे बात करने के लिए मैं कम से कम 50,000 रुपया खर्च कर चुका हूँ आप लोग जाएं आप मुझे घबराहट हो रही है क्या घबराहट हो रही है हम तो आपसे बात करने के लिए तरस गए आपको घबराहट हो रही है ऐसा मत करो ना प्लीज हम इसके बहाने खड़े हो गए अच्छी बात नहीं है बुजुर्गों के सामने हम सब लोग इस तरह बातें कर रहे हैं आप जाएं यहाँ मैं तुम्हें किस तरह देखो मारिया तुम शहरी कहाँ से टपक पड़ा मेरा ख्याल है कि कोयले कम हो गए हैं कोयले वगैरह डालो कोई फायदा नहीं है घबराहट हो रही है क्या मेरा मतलब है कि इनको मुझसे बात करते हुए घबराहट हो रही है ओ ये बात नहीं करती यार घबराहट हो रही है हाँ। तो फिर जाए ना यहाँ से वहां जाके बैठे मैं नहीं जा रहा मैं यही खड़ा हूँ चल रहा मैं नहीं जा रहा मारिया चल के बैठते हैं आजा खाना तैयार होगा खाना खाएंगे ओके इतने पैसे खर्च किए ठीक है इसके साथ ना ये होनी चाहिए कि आप हमारे साथ खेले तो खेलो तो हारी कौन देगा ठीक है सर नरेंद्र को देखो किस तरह बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई है क्या सोच रहे शेरी हमारे बारे में सोच सोचते तो वो समझते नहीं शेरी मैं तुम्हें कई रोज से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलवाना चाहती हूँ और एक तुम हो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम बार बार समझाने की कोशिश करती हो एक्चुअली मैंने अभी शादी के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं है और वैसे भी अभी मुझे अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करनी अच्छा तो मेरे अलावा भी कोई ख्वाब देखे हैं तुमने जिनकी ताबीर मुझसे ज्यादा है मैं है एक ऐसी हस्ती जिससे मैं इश्क करता हूं उसके अलावा तो मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता शेरी तुम क्या कह रहे हो और तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया अच्छा हुआ तुम्हारे दिल की बात आज जुबान पे आ ही गई ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैं तुम्हें अपना समझती रही बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कॉलेज की कई स्टूडेंट तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और तुम्हारा ही जिक्र करती रहती हैं तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है हम सब कोलीग हैं अच्छे दोस्त हैं अच्छा मुझे बताओ कौन है जिसे तुम इश्क करते हो बता दूं मेरे अब्बा जान शेरी तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी समीर मेरे अब्बा जान ने जिस तरह मेरी परवरिश की है ना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं खानदान में सबसे गरीब घर है हमारा बहुत छोटा था जब मेरी माँ जिगर के कैंसर में मुब्तला होकर फौत हो गई मेरे बाजान उनका प्रॉपर इलाज नहीं करवा सके फिर उन्होंने मुझे खुद माँ बनकर पाला मेरी खुशी के लिए अपनी तमाम खुशियां अपनी तमाम ख्वाहिशें कुर्बान कर दी खुद नए कपड़े नहीं पहने मुझे नए कपड़े पहनाए
खुद टूटी हुई चप्पल पहनकर मुझे नया बूट पहनाया। कई अच्छे रिश्ते ऑफर हुए लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। मुझे आला तालीम दिलवाने के लिए तीन तीन जगह मुलाजमत की। समरीन ये सब मैं कैसे भूल सकता हूं। खुदा का शुक्र है अब अपने इलाके में किराए पर एक जनरल स्टोर है। और समरीन पता है अंकल कासिम ने मुझे बेटों की तरह पाला है और आंटी ने मां की ममता दी है। मैं दो घरों का बेटा हूं। बहुत प्यार मिला है मुझे। इसीलिए किसी और के प्यार की जगह नहीं है तुम्हारे दिल में। अच्छा अब बातें ही होती रहेंगी कि कुछ पढ़ाई भी। तो तुम बातें किए जा रहे हो और मुझे कह रहे हो। चले बैठिए प्लीज। कैसी हैं आप? आपकी मंगनी कैसी चल रही? अच्छा ये बताइए आपकी बात बात होती है उनके साथ? ये क्या चक्कर है इनकी बात होती? कैसा चक्कर सर? आप नहीं समझेंगे। आइए। क्या बस है? ठीक ठाक। क्या रिपोर्ट्स हैं यार? सर बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। माशाल्लाह हम ब्रांड लीडर हैं और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। जबरदस्त। ये दूध पिया करो ताकि और मेहनत कर। ठीक है सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? क्या हो रहा है? सर कल के लिए फाइल तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ी पूछ रहा था मैं तो। हाँ वो रिजवान साहब मैं आपको ये बता रहा था कि बाबा ने जब से सारा काम मेरे सपोर्ट किया ना तो खुद वो बहुत रिलैक्स हो गए। सारा दिन बैठ के नौरीन से गप्पे मारते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। आप देखती हैं टीवी? यस सर। वेरी गुड। कौन कौन से प्रोग्राम्स देखती हैं? सारे सर अच्छे प्रोग्राम हैं। अच्छा एक्टिंग के बारे में पता है आपको? सर थोड़ी सी आती है। या वेरी गुड। मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक है। चले चले चलिए। नहीं सर पहले आप चले। आप जरा मेरे कमरे में आइए। मेरा मकसद ये था कि वो अगर दफ्तर आते हैं कि वो कम से कम ऑफिस में आएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल अंदाज में हो जाएगा। और अपना रिजान साहब जी जरा ये चोलिस्तान जुल्फिकार साहब के नाम लेटर भेजने फौरन तैयार करके जी। वो चोलिस्तान वाली फाइल बिल्कुल तैयार है मैं भी भिजवा दूँ। थैंक यू फॉर। मैं कमिंग सर। आइए प्लीज। वैशाल Have a seat, please. Thank you, sir. Welcome. समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूँ। एक मिनट। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करूं। असल में कभी ऐसा होगा नहीं ना। वो दरअसल में पता क्या मैंने आज तक कभी इस तरह से किसी से बात नहीं की। बोलूं? जी सर। देखो बात कुछ ऐसी है कि मुझे अजीब सा लग रहा है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम ये बात बाहर किसी से करना नहीं क्योंकि अगर ये बात रिजवान साहब को पता चल गई ना तो वो बाबा को बता देंगे और बाबा अब अभी तक मेरी फैटी लगाते हैं। सर आप बेफिक्र हैं किसी को नहीं पता चलेगा। थैंक यू सो मच। वो बात दरअसल ये है कि मैं वो सुबह से अपने ससुराल फोन कर रहा हूँ और बार बार नादिया भाभी फोन उठा रही हैं। हाँ मारिया फोन ही नहीं उठा रही। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुमने उसे फोन करके कहना है कि मारिया से बात करवा दें। मैं उसकी कोई भी सहेली बोल रही हूँ कोई भी नाम ले लेना वो समझ जाएगी। बस
इतनी सी बात। देखिए मैं बोल रही हूँ, हाँ, मारिया। हाँ भाभी। हाँ तुम्हारा फोन है। मेरा फोन है? हाँ, तुम्हारी किसी दोस्त का। हेलो। हेलो, हाँ मारिया। हाँ मैं यासिर बोल रही हूँ। जी यासिर। हाँ शैला कैसी हो? शैला क्या वो भाभी अभी तक पास ही खड़ी है? हाँ भाभी भाभी बिल्कुल ठीक है। यार इनसे कुकु घर के कामकाज किया करें, क्या हर वक्त तुम्हारे सर पे खड़ी रहती हैं और फोन के पास पड़ी रहती हैं। अच्छा वो सुनो, देखो तुम भाभी से कहो कि वो यहाँ से जाएं और कोई काम करें जाके। क्या बिला वजह वो हर वक्त मतलब तुमने हूँ क्या लगा रखी है? को बात करो ना, इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें फोन किया है। यासिर, तुम इतनी देर से भाभी से बातें कर रहे थे। भाभी से बातें कर रहा था? क्या क्या बातें की आपने भाभी से? कोई गलत बात तो नहीं कर दी? मैं तो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा था। अब क्या होगा? होना क्या है? व्यास भाई से तुम्हारी शिकायत होगी और फिर झगड़ा होगा। अच्छा आप डराओ नहीं, वो ये बताओ कि कोई मिलने का प्रोग्राम बनाए। मैं बाहर? नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम घर आ जाओ ना। किस बहाने से आऊं? क्या मुंह लेकर आऊंगा? भाभी का सामना कैसे करूंगा? मैं नहीं आ रहा। नहीं नहीं मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। अंकल व्यास, ये बात। जी मैं यासिर नहीं, मैं महवेश बोल रही हूँ, मारिया की फ्रेंड। जी जी मैं चलूँ सर? नहीं एक मिनट, वो हाँ सर मैं रिश्वत नहीं लेती। ये रिश्वत नहीं है, वो एक सिलसिला है जो बस चला। और सुनो। यस सर। काम की तरफ तवज्जो दो, बी रिस्पॉन्सिबल। यस सर। क्या करूं, बात करने इतनी मुश्किल तो नहीं थी, तो ये एक महीना कैसे गुजरेगा? तुमने अदील के बच्चे? मैंने तो बॉल कराई थी। अच्छा ठीक है, मॉर्निंग मैच कराऊंगी। तुम कराओगी? हाँ बीच में केस नमाज। मैं अभी तुम
इतना शोर मचाते हैं तौबा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अच्छा जल्दी से पानी पी फिर मेरी बात सुन। ये शहरियार कैसा लगता है? शहरियार अच्छा लग रहा है बाबा। एक तो हमारा कजन है, ऊपर से शरीफ है, नेक है। क्यों? मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश है कि नौरीन का रिश्ता शहरियार से हो जाए।